नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एस आरजे पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में हो रहे देश व धार्मिक विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको वाराणसी में निर्माणाधीन गौरव पथ की जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आप जानेंगे काशी का गौरव पथ कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, गौरव पथ की लागत क्या है, गौरव पथ की विशेषताएँ क्या होंगी, गौरव पथ का निर्माण कब आरंभ हुआ तथा क्या है इसके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि, क्यों है गौरव पथ का निर्माण इतना महत्वपूर्ण तथा बताएंगे गौरव पथ मार्ग के निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गलियों का शहर, घाटों का शहर व मंदिरों का शहर आदि के रूप में विश्व विख्यात काशी अर्थात वाराणसी उत्तर प्रदेश की ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की धर्मनगरी मानी जाती है। इसी शहर में भगवान शिव का द्वादश ज्योतिर्लिंग व भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली भी है तथा इस शहर के अल्हड़पन जीवन का अनुभव करने प्रतिदिन हजारों से लेकर लाखों यात्री व श्रद्धालु आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक नगरी काशी को आधुनिक भारत में मुख्य स्थान प्रदान करने के लिए वाराणसी शहर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सैकड़ों विकास कार्यों पर निर्माण कार्य तीव्र गति से क्रियान्वित है तथा जिनकी जानकारी हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है। बता दें कि वाराणसी में रिंग रोड, अस्पताल, विद्यालय, मल्टी लेवल पार्किंग, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, आरओबी व फ्लाईओवर के निर्माण के अतिरिक्त शहर के सड़कों के कायाकल्प भी किया जा रहा है तथा गोदौलिया अर्थात वाराणसी के हृदय स्थल को इसमें केंद्र में स्थान प्राप्त है। इस गौरव पथ प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए तथा निर्माण कार्य के दृश्य भी आपको दर्शाते हुए बता दें कि गोदौलिया से मैदागिन, जिसके मध्य में ज्ञानवापी स्थित बाबा विश्वनाथ धाम का निकटतम प्रवेश द्वार है तथा वाराणसी के प्रमुख मार्केट हो अथवा गंगा घाटों पर विचरण, इन सभी कारणों से वाराणसी आने वाले दर्शनार्थी व श्रद्धालुओं का आगमन गोदौलिया क्षेत्र में अवश्य ही होता है, जिस कारण से गोदौलिया परिक्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मार्ग को विश्व स्तरीय बनाने की योजना बनी है। बता दें कि गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक के नवीन स्ट्रीट पेडिस्ट्राइजेशन अर्थात गंगा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही गोदौलिया से मैदागिन के मार्ग पर निर्माण कार्य आरंभ हो गया था। जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सड़क और जंक्शन सुधार का शहरी पुनरोद्धार नामक प्रोजेक्ट में नगर के कुल 8 चौराहों के 10.5 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प होना है, जिसमें कि गोदौलिया से लेकर मैदागिन मार्ग भी सम्मिलित है। इस प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि गौरव पथ की योजना वर्ष 2018 में बनी थी तथा इस प्रोजेक्ट में सीसी रोड के निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि है फरवरी 2022, जिसमें कि अभी तक यह सड़क आधे से अधिक अब तक पूर्ण हो चुकी है। अब यदि इस गौरव पथ प्रोजेक्ट की विशेषताओं की अधिक जानकारी दें तो आपको बता दें कि मार्ग पर ट्रैफिक कम करने तथा यातायात को गति प्रदान करने के अतिरिक्त सड़कों के किनारे पैदल मार्ग का निर्माण, टेबल टॉप क्रॉसिंग, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट फर्नीचर जैसे कि बेंच व कूड़ेदान आदि तथा आगंतुक सुविधाएं जैसे कि सूचना कियोस्क, पेयजल कियोस्क तथा शौचालय आदि का निर्माण तथा अन्य विशेषताओं में बोलार्ड, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रैंप तथा वृक्षारोपण आदि सम्मिलित हैं। विशेषताओं के अतिरिक्त इस संपूर्ण प्रोजेक्ट के लागत की अधिक जानकारी दें तो आपको बता दें कि इसकी लागत है 93.60 करोड़ रुपए, जिस भारी भरकम राशि से सड़क को RCC अर्थात सीमेंटेड रोड बनाया जाना है तथा मार्ग के किनारों पर कोबल स्टोन लगाया जाना है। अब यदि इस गौरव पथ की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो आपको बता दें कि इस समय गोदौलिया से ज्ञानवापी तक के आधे मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कोबल स्टोन भी लग चुका है तथा चौक से मैदागिन तक तो दोनों लेन की सड़क के मार्ग को RCC बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसकी वर्तमान परिस्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मुख्य मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा रोड के दोनों किनारों पर पाथवे के निर्माण कार्य में कोबल स्टोन का कार्य श्रमिकों द्वारा संचालित है तथा यह भी अधिकांश स्थानों पर पूर्ण हो चुका है व जो शेष बचे हैं उन्हें तीव्र गति से बनाया जा रहा है।
चलिए अब आपको यहाँ से ले चलते हैं गोदोलिया की ओर और इस बीच आप नगर के दृश्य एवं गौरव पथ पर हुए निर्माण कार्य को देख रहे हैं। इसी पर बता दें कि यह निर्माणाधीन गौरव पथ ज्ञानवापी स्थित बाबा विश्वनाथ धाम का निकटतम प्रवेश द्वार के पहले तक तो लगभग पूर्ण हो चुका है, परंतु मंदिर के समीप निर्माण नहीं हुआ है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तथा इस स्थान पर कार्य ना होने का कारण है कि यहाँ पर अभी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का कार्य पहले से ही संचालित है, जिसके कारण से अभी यहाँ पर गौरव पथ के निर्माण का कार्य स्थगित है, जिसके की शीघ्र ही आरंभ होने की आशा है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि गौरव पथ में रोड के मध्य में 7-7 फीट से अधिक की चौड़ाई में सीसी रोड वाहनों के आवागमन के लिए बनना है, तथा इसी के स्तर पर मार्ग के दोनों ओर लगभग 2.5 फीट की चौड़ाई में कोबल स्टोन का पाथवे और उसके पश्चात दुकानों की ओर खुली नाली बननी है, जिसका कार्य संचालित है और कई स्थानों पर पूर्ण भी हो चुका है। बता दें कि कोबल स्टोन पाथवे इतना मजबूत है कि सामान उतारने चढ़ाने में वाहन सीसी रोड से उस पर आ भी जाए तो वे टूटेंगे नहीं। सड़क व पाथवे का पानी सरलता से निकले इसके लिए खुली नाली होगी। पत्थर की एक रूपता सीसी रोड को रंगीन बनाकर इसे आकर्षक बनाया जा रहा है। यही नहीं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि समस्त कार्यों का मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है। दूसरी ओर कोबल स्टोन का यह पत्थर 6x6x6 इंच की मोटाई, लंबाई और चौड़ाई के आकार के हैं, जो कि बहुत ही मजबूत हैं, तथा यह पत्थर खराब भी नहीं होते हैं। बता दें कि यह सड़क पर्यटकों व श्रद्धालुओं के अतिरिक्त व्यापारियों के लिए भी ईज ऑफ मूवमेंट होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि गोदोलिया दशाश्वमेध रोड पर स्ट्रीट पेडेस्ट्राइजेशन के अतिरिक्त गोदोलिया को पिंक कॉरिडोर भी बनाया गया है, एवं इस परिक्षेत्र में दशाश्वमेध टूरिस्ट प्लाजा, दशाश्वमेध घाट पुनरुद्धार, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, गोदोलिया मल्टी लेवल पार्किंग, टाउन हॉल अंडरग्राउंड व पार्किंग व गंगा घाटों पर फसाड लाइट आदि मिलकर इस पूरे क्षेत्र को अत्यंत सुंदर व सुविधाजनक बना देंगे, जिसके पश्चात यह हेरिटेज के रूप में देश व विदेश के लोगों को आकर्षित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही इच्छा है, जिसमें कि स्मार्ट सिटी में 8 चौराहों व 8 बड़े सड़कों को टूरिज्म बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट से सहयोग लेकर विकसित किया जा रहा है, जिसमें कि मैदागिन से लेकर गोदोलिया मार्ग का सुंदरीकरण हेरिटेज के दृष्टिकोण से सीमेंटेड रोड व कोबल स्टोन के पाथवे का निर्माण होने से पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, तथा काशी के धार्मिक छवि को आधुनिकता की नई पहचान भी मिलेगी, तथा संभवतः यह काशी को क्योटो बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। इस पर आपके क्या विचार हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई काशी के गौरव पथ के निर्माण कार्य की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।